गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 7 द एनिमल वर्ल्ड की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको हैबिटेट और वेरिड शेप्स के बारे में बताया था कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट होता है प्राकृतिक घर, जानवरों का या पशु पक्षियों का प्राकृतिक घर हैबिटेट होता है। और वेरिड शेप्स भी बताई थी कि सभी जानवरों की जो शेप्स होती हैं, आकार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। आज हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूविंग अराउंड, इधर उधर घूमना। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे भोजन के लिए, भोजन और शेल्टर, छत के लिए, आश्रय के लिए घूमते हैं या फिर ऐसी जगह सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, और वो ऐसा अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए भी करते हैं। यानी कि जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की और आश्रय की तलाश में, और उसी के साथ साथ अपने दुश्मनों से खुद की रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने के लिए अलग अलग जगह को ढूंढते रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स विच हेल्प इन देयर मूवमेंट। अलग अलग जानवर के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जो उनकी इस मूवमेंट में, इसे मूवमेंट में मदद करते हैं। टेरिस्ट्रियल एनिमल्स वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ फोर लेग्स। टेरिस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि वो जानवर जो कि जमीन पे रहते हैं। कल भी आपको बताया था टेरिस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं। जो जानवर जमीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरिस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। टेरिस्ट्रियल एनिमल्स चलने के लिए और दौड़ने के लिए चार पैरों का इस्तेमाल करते हैं। यानी उनके चार पैरों की मदद से वह दौड़ पाते हैं या चल पाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स एंड फ्लिपर्स टू मूव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवरों के पास फिन्स और फ्लिपर्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, जिनकी मदद से वो पानी में चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। सम ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। कुछ के पास वेब्ड फीट यानी वेब्ड होता है जालदार फीट, पैर, जालदार पैर भी होते हैं। इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स टू वॉक। कीड़े मकौड़ों के पास तीन पैर के पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल उनकी लेग कितनी हो गई, 6। थ्री पेयर्स जोड़े, तीन जोड़े पैर के होते हैं जिनसे वो चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ कीड़ों के पास में पंख होते हैं जिनसे वो उड़ पाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई एंड 2 feet टू होप एंड पर्च। पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, आसमान में उड़ने के लिए पंख होते हैं, और 2 पैर होते हैं जिससे वो चल पाते हैं, घूम फिर पाते हैं या खड़े रह पाते हैं। स्नेक्स एंड वॉर्म्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। क्रॉल मतलब रेंगना। सांप और जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेल्स इन एनिमल्स। जानवरों की पूंछ, जानवरों में पूंछ, टेल्स यानी पूंछ। सम एनिमल्स हैव टेल्स। कुछ जानवरों के पास टेल होती है यानी पूंछ होती है। सम टेल आर लॉन्ग वाइल अदर्स आर स्मॉल।
कुछ पूंछ बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, और कुछों की छोटी। दे यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पस। वे उन्हें अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंकीज यूज देयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टेल्स टू हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। बंदर जो होते हैं वो अपनी लंबी और मजबूत पूंछ का इस्तेमाल शाखाओं पे पेड़ की ब्रांचेस यानी शाखाओं पे लटकने के लिए, हैंग मतलब लटकना, लटकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिश यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर। मछलियाँ जो होती हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल पानी में अपनी दिशा को बदलने, डायरेक्शन यानी दिशा, राह को बदलने के लिए यूज करती हैं। डॉग्स यूज देयर टेल्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशन। जो डॉग्स होते हैं यानी कुत्ते जो होते हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल अपने इमोशन को बताने के लिए यानी अपनी फीलिंग को बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वो कब खुश हो रहे हैं या उन्हें खाना चाहिए या भूख उन्हें सहलाने के लिए, ऐसे अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। कंगारूज हैव स्मॉल टेल टू बैलेंस देयर बॉडीज वाइल दे आर सिटिंग ऑन देयर हिंड लेग्स एंड हुपिंग। कंगारू की जो टेल पूंछ जो होती है वो छोटी होती है जिससे वो अपने शरीर का बैलेंस बना पाते हैं बैठते टाइम, बैलेंस यानी अपने शरीर का संतुलन बना पाते हैं जब वो बैठते हैं अपने पैरों पे और हुपिंग पे, जब वो बैठते हैं उसके लिए उन्हें बैलेंस बनाने के लिए अपने टेल की ज़रूरत पड़ती है। काउस एंड बफेलोज यूज देयर टेल्स टू शू अवे फ्लाइज एंड बर्ड्स दैट सेट ऑन देम। गाय और भैंसे जो होती हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल जो छोटे कीड़े मकोड़े या पक्षी जो उनके ऊपर बैठ जाते हैं उन्हें भगाने के लिए या उड़ाने के लिए यूज करते हैं। जो छोटे कीड़े मकोड़े या कोई पक्षी जब किसी गाय या भैंस पे बैठ जाते हैं तो वो अपनी पूंछ की मदद से उन्हें उड़ाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 7 द एनिमल वर्ल्ड। जितना भी चैप्टर अभी तक आपको करा दिया गया है आपको उसे रीड करना है और खुद से एक बार समझने की कोशिश करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।